मैं ठंड से लूंगा कि नया से लूंगा नहीं, अन्ना अंकल की नींद खुल जाएगी। मोनू, मोनू शाबजी, मोनू को तो बहुत तेज बुखार है। मैं वेद को जानता हूँ, मैं इसे वहां पर लेके जाता हूँ। उस वेद ने मिश्री की जांच की तो उसे पता चल जाएगा कि मिश्री लड़का नहीं लड़की है। मुझे कुछ भी करके अखिलेश को रोकना होगा। अखिलेश जिसका बदन बुखार से तप रहा है, इसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। क्यों बेटा? With the lady? प्लीज दवाई लेकर आ जा। मिस्टर अखिलेश पांडे, देखिए तो रूम नंबर 324। तुम ब्लू बेटे के लिए बोझ हो। मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस घर से जाना होगा, राइट? एक बार देखो तो शाबजी तुम्हारे लिए क्या लाया। हम मोनू को अडॉप्ट करना चाहते हैं। जिम्मेदारी का मतलब होता है बोझ। किसने कह दिया तुम्हें जिम्मेदारी का मतलब बोझ होता है? जिम्मेदारी हम उनकी उठाते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी इसलिए उठाने लगा था क्योंकि कहीं ना कहीं तुमसे भी प्यार करने लगा था। अंकल हमसे प्यार करते हैं, हम क्या करें? अंकल तो कागज पर साइन कर चुके हैं और हमने बापू से भी वादा किया कि हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं मोनू को गोद लेना चाहता हूँ, मैं मोनू को अपना बेटा बनाना चाहता हूँ, उसे अपना नाम देना चाहता हूँ। मोनू अखिलेश पांडे। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? ये तो अपने हॉस्पिटल में रेसिडेंट डॉक्टर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यही हॉस्पिटल में काम करने की? जो भी फॉर्मेलिटीज हो इसको यहाँ से बाहर निकालो, ठीक है? मोनू इसके लिबास पेपर बना रहा है। वाणी माँ, तुम मुकेमो अंकल की छानबीन नहीं कर सकती, लेकिन हम तो कर सकते हैं ना। चलकर पता करते हैं कि मुकेमो अंकल के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मैं भी हमेशा के लिए तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसलिए कानूनी तौर पर इस रिश्ते को खत्म करना चाहता हूँ। डिवोर्स पेपर्स लेकर आया हूँ मैं। ये दोनों को लड़ाई करने से कैसे रुकना है हमको पता है। मैंने आपसे कहा था ना बड़ी माँ कि मैं आपकी परेशानी दूर करूंगा, तो मैं यहाँ आ गया। अंकल एक आंटी के साथ है, आप चली जाओ। हमको तो पूरा यकीन है कि अब तक तो बापू का सुंदर चेहरा देखकर बड़ी माँ को भी उनसे प्यार हो जाएगा। मर चुकी थी ना, जिंदा कैसे हुई? कॉम पे लगे हुए बाल बबलू के नहीं, मिश्री के थे, और मिश्री का डीएनए मामू के डीएनए के साथ मैच हो चुका है। मतबल मिश्री हमने गुल्लू की बेटी है। आज किसी भी हालत में कोटेशंस मुझे मेल पर मिल जाने चाहिए, ठीक है? ये कोटेशंस के कागजात कहाँ पर रखे मैंने? अखिलेश, मैं अपने आप को कितना भी बिजी रखूं काम में, लेकिन किसी ना किसी तरीके से मोनू की याद आ ही जाती है। हेलो, रेडियो सरगम 103.9 एफएम से मैं हूं दीवाना दलेर। अगर आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ, कोई परेशानी या कोई दुख है तो फिकर नॉट मेरे दोस्त, उठाओ फोन और करो मुझसे बात 9858483828 पर। हो सकता है किसी अनजान आदमी से बात करने से ये दिल का दर्द हल्का हो जाए। हेलो, मैं हूँ आरजे दलेर, आप सुन रहे हैं 103.9 एफएम। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हेलो, दलेर जी। दलेर, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ मुंबई से। अच्छा दलेर, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि प्यार में मैं बहुत अनलकी हूं? जिससे प्यार करता हूं वो अंत में धोखा देकर चला जाता है। कुछ दिनों पहले की बात है, एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को अडॉप्ट किया था मैंने, बहुत प्यार करने लगा था मैं उससे,
बहुत अटैच भी हो गया था, लेकिन फिर पता चला कि उसकी माँ ने पैसों की लालच में उसे मेरे घर भेजा था। जैसे इस बात का पता चला, मैंने बच्चे को घर से निकाल दिया। बच्चे को घर से तो निकाल दिया, लेकिन उसे अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा हूं। जहां भी जाता हूं, बहुत बहुत बेचैनी सी होती है। उसकी याद है जो मेरे मेरे दिल और दिमाग से जाती ही नहीं। यार मेरे सुपरस्टार, बेचैनी तो होगी ही, क्योंकि भले ही तुम्हारे साथ धोखा हुआ हो, लेकिन तुमने भी तो बच्चे के साथ ठीक नहीं किया। उसे फिर ऐसी माँ के पास भेज दिया जो उसे शायद वापस गलत काम करवाएगी। उस औरत को सजा देकर बच्चे को प्यार से सही रास्ते पर भी ला सकते थे ना। हेलो हेलो, लगता है हमारे कॉलर को मेरी एडवाइस पसंद नहीं। ये तो गलत कर दिया मैंने। ये तो इसने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। मोनू है तो बच्चा ही, वो तो वही करेगा जो उसकी माँ उसको सिखाएगी। कहीं गुस्से में आकर उसकी माँ ने उसको कोई गलत काम करने पर मजबूर ना कर दिया हो। ये कहाँ होगा इस समय मोनू। शाबजी ने वो जो लड्डू खाया उसके वजह से हुआ है। मम्मी जी डोंट वरी, एम्बुलेंस बस आता ही होगा, ठीक है? माजी अभी हॉस्पिटल लेके जाने का टाइम नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो, के यू दो कौड़ी के नौकर। गेट आउट ऑफ हियर, डोंट यू डेयर आस्क मी टू गेट आउट। मैं अखिलेश को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जाऊंगी? जब अपने आप अच्छा डबली बजता है तो हमारे पैर थिरकने लगते हैं। कछु तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है पगली, चलो एक बार और चलो। अंकल जी, मैंने अपनी डफली बजाकर भाभी जी को खूब नचाया। क्या? या? तूने अंगूरी के सामने डफली बजाई? क्या नाचे है भाभी जी, मजा आ गया। पापा और केट दीदी कछु प्लान कर रहे थे। किसको प्लान? पापा कह रहे थे कि ना तो नानी आएंगी और ना तो अतवीर मामा आएंगे। ये बात है। एक खबर लाया हूँ, सुनोगी तो चौंक जाओगी। जल्दी सुनाओ। तो जे बाप बेटी में जस साजिश चल रही है, आन दियो, हमू बताते उन्हें। वेदी, 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 वेदी आग के कोल बेटा, वेदी, वेदी तुझे कुछ नहीं होगा, आग के कोल ना बेटा। अरे वेदी को तो सांप काटा है। पापा और केट दीदी कछु प्लान कर रहे थे। किसको प्लान? पापा कह रहे थे कि ना तो नानी आएंगी और ना तो अतवीर मामा आएंगे। ये बात है। एक खबर लाया हूँ, सुनोगी तो चौंक जाओगी। जल्दी सुनाओ। तो जे बाप बेटी में जस साजिश चल रही है, आन दियो, हमू बताते उन्हें। वेदी, 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 वेदी आग के कोल बेटा, वेदी, वेदी तुझे कुछ नहीं होगा, आग के कोल ना बेटा। अरे वेदी को तो सांप काटा है। कल देखिए परम अवतार श्री कृष्ण और विक्रम बेताल का महासंगम। क्यों पार्वती को बचाने के लिए कृष्ण खड़े हुए शिव के विरुद्ध।